आगे बढ़ते हैं। जयपुर सचिवालय के मुख्य भवन में पदभार ग्रहण मीडिया के कोऑर्डिनेटर आनंद शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। सहयोगी ऐश्वर्य है, बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। कोऑर्डिनेशन की मिलेगी मीडिया और सरकार के बीच जो भी कोऑर्डिनेशन होगा उसका काम हम निरंतर जारी रखेंगे, क्योंकि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का हिस्सा है। जैसे ये काम आपके लिए नया नहीं है, पहले से आप भाजपा में यही काम करते थे, लेकिन अब सरकार में ये काम करना कुछ अलग लगेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब मुख्यमंत्री जी का क्या लक्ष्य है, वो है जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहीं पे कोई ब्लॉक होगा, कहीं पे कोई गड़बड़ होगी तो मीडिया हमको बताएगा, हम उसको तुरंत यानी उसको पूरा करेंगे, हम उसको अच्छे सकारात्मक रूप से ढंग से करेंगे। और जिस प्रकार से जो लोकतंत्र की जो बात की जाती है तो उसमें मीडिया भी हमारे साथ में है। पत्रकारों की भी कई समस्याएं होती हैं। पत्रकारों की जो समस्या है, अभी मैं पदभार ग्रहण किया है, निश्चित रूप से पूरी करेंगे, मगर जो प्रमुख है कि पत्रकार कल्याण कोष उसका सही रूप से संचालन हो और सही रूप से जो पत्रकारों के जो कल्याण की बात हो तो वो हम पूरा करेंगे। उसमें जो भी चाहे से जो कमेटियों का मामले हों और भी हैं तो वो हम उसको अच्छी तरह से देखेंगे। एक और बड़ी बात है, आप कमोबेश सभी पत्रकारों को जानते हो जयपुर में, क्योंकि बड़ी संख्या में बीजेपी में आते थे, रूटीन की चीज़ है। वेबसाइट वालों को भी जानते हो, यूट्यूबर्स को भी जानते हो, और राजस्थान में भी कई जिलों में जहां आप गए मैं देखता था आप उनके साथ संवाद रखते थे। अब आपको ये दायित्व मिलाया है तो आपको क्या कुछ उनका कहना है, क्या किस तरीके से वो अपनी बात रख पा रहे हैं आपके सामने? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वैसे पेशे से एडवोकेट हूँ मैं, और मैंने काफ़ी वकालत भी करी है, मगर मीडिया से मेरा जो आत्मीयता का रिश्ता है वो कई बरसों से है। तो मीडिया के जो मन की बात होगी उसको हम पूरा करेंगे, और मीडिया का जो दायित्व है वो भी बताएंगे कि मीडिया का क्या